प्रकाश सिन्हा ने जो बयान दिया था सम्राट अशोक को लेकर, जिसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया है, पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि IWAS मत कीजिए संजय जी, अगर इतना ही है तो उनका जो अवार्ड मिला है उनको वापस लेने का नहीं। सबसे बड़ी चीज है ये NDA के लोग जानते एक दूसरे का किस्सा, और अशोक सम्राट के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही हास्यास्पद लिखा है और गलत लिखा है। और सही बात है कि IWAS ही वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये NDA के लोग एक दूसरे का IWAS करते हैं और बिहार की जनता के साथ भी IWAS करते हैं, ये पहली घटना नहीं है। और अवार्ड निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों को जो इस तरह के इतिहास लिखने का काम करते हैं, जो अशोक सम्राट जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोग का। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। पूर्व IAS और पद्मश्री से सुशोभित दया प्रकाश सिन्हा ने जब से अपने किताब के शीर्षक में इस बात का जिक्र किया कि बिहार के महान शासक सम्राट अशोक और औरंगजेब एक जैसे शासक थे, यानी कि औरंगजेब की तरह ही सम्राट अशोक को क्रूर बताते हुए दया प्रकाश सिन्हा ने अपने किताब का शीर्षक दिया था। इस बात को लेकर बिहार की सियासी मंच जो है वो काफ़ी गर्माहट महसूस कर रही है, और लगातार एक तरफ से एक सुर में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये मांग कर रही है कि दया प्रकाश सिन्हा का जितने भी अवार्ड है उसको उससे छीना जाए। हालांकि इस मामले पर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी ही ऐसे लोगों को अवार्ड देने का काम करती है, और अब जो है दया प्रकाश सिन्हा ने जब इस तरह का हरकत किया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है, तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने पर लगी हुई है और ये ढोंग कर रही है कि दया प्रकाश सिन्हा से अवार्ड छीना जाए, जबकि ऐसे लोगों को बीजेपी ही बढ़ावा देती है और वही इसको अवार्ड देती है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने बिहार में 24 सीटों पर हो रहे MLC चुनाव को लेकर भी दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाए, लेकिन हम लोग जो है वो 2400 सीट पर जीतने जा रहे हैं। इस तरह से भाई वीरेंद्र ने बता दिया है कि 2400 सीट पर उनकी तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से दया प्रकाश सिन्हा को लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म है, बीते दिनों दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन भी किया गया और उनको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बयान आया है कि सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने JDU पर हमला करते हुए कहा कि ये सब डैमेज कंट्रोल है और IWAS जो है वो ना करे। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। सिन्हा ने जो बयान दिया था सम्राट अशोक को लेकर, जिसके बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया है, पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि IWAS मत कीजिए संजय जी, अगर इतना ही है तो उनका जो अवार्ड मिला है उनको वापस लेने का नहीं। सबसे बड़ी चीज है ये NDA के लोग जानते एक दूसरे का किस्सा, और अशोक सम्राट के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही हास्यास्पद लिखा है और गलत लिखा है। और सही बात है कि IWAS ही वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये NDA के लोग एक दूसरे का IWAS करते हैं और बिहार की जनता के साथ भी IWAS करते हैं, ये पहली घटना नहीं है। और अवार्ड निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों को जो इस तरह के इतिहास लिखने का काम करते हैं, जो अशोक सम्राट जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोग का अवार्ड निश्चित रूप से छीनना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है क्या? देखिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल इन लोग का नाटक है, और बिहार की जनता के साथ हमेशा ये लोग नाटक करते हैं और बिहार की जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जनता अब इससे निजात पाना चाहती है और जनता आने वाले दिनों में इन दोनों से निजात पाएगी। सर, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है, तो क्या लग रहा है MLC चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी? एकदम महागठबंधन में जीत होगी। पिछली बार भी हम जीते थे, हमारा प्रतिशत देखिए वोट कितना आया था, और हम आगे बढ़े हैं, और इसमें भी MLC के चुनाव जो निकाय MLC का चुनाव है इसमें हमारी बहुमत से जीत होगी और हम जीतेंगे। महागठबंधन के साथ ही जाइएगा या फिर? ये हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ हमें लड़ना है नहीं लड़ना है, और हमारा दल मजबूत है पूरे बिहार में और हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे नेता तय करेंगे कि किन किन लोगों को कितना सीट दिया जाए। पर NDA के नेताओं का कहना है कि ये महागठबंधन कहाँ ठग बंधन है। अब सवाल है कि उनके पास कोई विजन नहीं है,
बिहार के विकास, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का, बिहार के किसानों के खेतों में पानी कैसे जाए, उनके उपज का दाम कैसे मिले, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोई विजन नहीं, इसलिए हमारे बारे में तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।